सो हे व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार आज की वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज का वीडियो का टॉपिक भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज की बात करने वाले जनरेशन वन के बारे में। दोस्तों जनरेशन वन के ही बारे में बात नहीं करने वाले, बिकॉज हम उसमें करने वाले ग्रास टाइप्स के ऊपर बात करने वाले, और इन ग्रास टाइप्स में से हम निकालने वाले टॉप 5 ग्रास टाइप्स पोकेमॉन ऑफ जनरेशन वन। तो यार तो आज का वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, तो एंड तक जरूर देखना। I wanna be the very best that no one ever was. To catch them is my real test. To train them is my cause. I will travel across the land, searching far and wide. It's Pokemon to understand. तो यार दोस्तों चलो बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ और देखते हैं कि आज की लिस्ट में हमारे नंबर 5 पे कौन सा पोकेमॉन आता है। दोस्तों नन अदर देन नंबर 5 पे आता है अपना बेलस्प्राउट। दोस्तों बेलस्प्राउट एक बहुत ही कमाल का पोकेमॉन है, इसे बेल पोकेमॉन भी कहा जाता है, क्योंकि एक तो इसके नाम से बेल है और क्या बोल सकते हैं उसको यार। और तो यार इसकी इसे इस लिस्ट में आने की वजह इसकी फिजिकल फिटनेस। दोस्तों यार ये अपने बॉडी को किसी भी शेप में, मतलब किसी भी जगह पे, मतलब उसे ढाल के किसी भी अटैक को डॉ, और एक ग्रास टाइप पोकेमॉन है, सो इसकी ग्रास टाइप मूव्स भी बहुत बूस्टेड रहते हैं, और ये भले ही बहुत ही बहुत पोकेमॉन है। और इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यार मैंने इस पोकेमॉन को नंबर 5 पर रखा हुआ है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 पे वो पोकेमॉन है जो सबका चेहता है, वो है बल्बसोर। दोस्तों बल्बसोर एक बल्ब पोकेमॉन है, उसे बल्ब पोकेमॉन भी कहा जाता है, और बल्बसोर एक ग्रास प्लस पॉइजन टाइप पोकेमॉन है। हाँ वो एक ड्यूअल टाइप पोकेमॉन है। दोस्तों बल्बसोर विकसित होता है आइविसोर में, और आइविसोर से वीनसोर में विकसित होता है। दोस्तों और बल्बसोर के पास बहुत ही कमाल के अटैक्स है, जैसे कि रेजर लीफ हो गया, मैजिकल लीफ हो गया, फिर उसके बाद हो गया अपना लीफ ब्लेड, और बाकी के अलग अलग अटैक्स, ताकतवर अटैक जैसे सोलर बीम, वाइंड वेव जैसे अटैक्स हो सकते हैं। बल्बसोर वाकई में बहुत ही अच्छा और ताकतवर पोकेमॉन है, और ये हालांकि कैंटो का स्टार्टर पोकेमॉन है, इसलिए और ताकतवर बनता है यार, और ये बहुत क्यूट भी दिखता है। इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यार बल्बसोर को मैंने 4th पोजिशन पर रखा हुआ है, और इसकी बेस स्टैट्स भी बहुत ही अव्वल दर्जे के हैं। तो दोस्तों चलते हैं नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 पे और एक डुअल टाइप पोकेमॉन है, वो है हमारा एग्जीक्यूटर। दोस्तों एग्जीक्यूटर है साइकिक और ग्रास टाइप, और दोस्तों एक बात बताओ, एग्जीक्यूटर का एक दूसरा भी फॉर्म है, कहते हैं अलोलन एग्जीक्यूटर, वो होता है ड्रैगन प्लस ग्रास टाइप होता है, और ये अब अलोला रीजन में यानी सन एंड मून के। बट हमारा एग्जीक्यूटर जो है जनरेशन 1 से, वो तो है अपना साइकिक और ग्रास टाइप पोकेमॉन। दोस्तों ये इस पोकेमॉन को साइकिक टाइप देने के बाद ये और स्ट्रांग हो जाता है, मतलब इसके वीकनेस कम हो जाते हैं दूसरे पोकेमॉन से, और इसके एबिलिटीज और इसके बी स्टेट्स बढ़ जाते हैं। दोस्तों ये साइकिक अटैक्स के साथ साथ इसकी ग्रास टाइप अटैक भी बहुत ही बढ़िया है, जैसे कि एग बॉम्ब और सोलर बीम, और फिर रेजर लीफ वगैरह, ऐसे बहुत बहुत अटैक्स है इसके, और इसके बी स्टेट्स भी बहुत ही बढ़िया और हाई हो जाते हैं। तो इसी के कारण, इसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने एग्जीक्यूटर को नंबर 3 पे रखा हुआ है। तो दोस्तों नंबर सेकेंड पे जो पोकेमॉन आता है, वो हमारे 5th का फुल स्टेज इवोल्यूशन फॉर्म है, वो है विक्ट्रीबेल। दोस्तों विक्ट्रीबेल एक कार्निवरस प्लांट से लिया हुआ पोकेमॉन है, और विक्ट्रीबेल बहुत ही ताकतवर पोकेमॉन है, और ये डुअल टाइप पोकेमॉन बन जाता है, जैसे कि ये है पॉइजन प्लस ग्रास टाइप, जो इसका डुअल टाइप है वो इसको बहुत ही स्ट्रांग बना देता है, और ये पोकेमॉन बहुत ही स्ट्रांग है, और इसकी ग्रास टाइप का अटैक बहुत बूस्ट होते हैं। और ये पोकेमॉन हालांकि फेमस हुआ था टीम रॉकेट के जेम्स की वजह से, क्योंकि टीम रॉकेट के पास जेम्स के पास ये विक्ट्रीबेल होता है, और वो उसे हमेशा उसे काटने की कोशिश करता है, बट वो अपना प्यार जताने की कोशिश करता है। और इसके ज़्यादातर अटैक्स है ना, मतलब इसके पास सोलर बीम है, वाइंड वेप है, लेजर लीफ है, और फिर बहुत सारे अटैक्स है इसके पास, बहुत ही कमाल के अटैक्स है इसके साथ। इसके पास स्लीप पाउडर यानी सब तरह के अटैक्स ही इस्तेमाल कर सकता है, और इसे इसके ड्यूअल टाइप, इसका ड्यूअल टाइप इसे बहुत सारे पोकेमॉन के सामने एडवांटेज देता है, जो इसकी ग्रास टाइप पे नहीं देता। तो इसी ध्यान में रखते हुए मैंने इसे नंबर 2 पे रखा हुआ था। तो दोस्तों नंबर 1 पे तो हमारा एक ही पोकेमॉन हो सकता है, जो हमारा नंबर 4 का लास्ट एवोल्यूशन स्टेज है, और वो है हमारा वीनसोर। दोस्तों वीनसोर एक बहुत ही बड़ा और जाइगेंटिक पोकेमॉन है, और वीनसोर भले ही नॉर्मल पोकेमॉन जैसा है, बट ये भी डुअल टाइप पोकेमॉन है, जैसे कि पॉइजन प्लस ग्रास टाइप पोकेमॉन है, और
इसे इसका डुअल टाइप बहुत ही एडवांटेजेस बनाता है, बट एब्सोल्युटली ये इतना ताकतवर है कि इसकी एक मेगा एवोल्यूशन भी है दोस्तों। और मेगा एवोल्यूशन में तो ये और भी ताकतवर और भी कूल दिखता है और डैशिंग दिखता है यार, मतलब बहुत ताकतवर दिखता है। और इसके बहुत ही अच्छे अच्छे अटैक्स भी और इसके बेस स्टैट्स भी बहुत ही अच्छे है, मतलब बेस्ट बेस्ट स्टैट्स है इसके। तो यार इसके इसके जो अटैक्स है उसके बारे में बात करता हूँ, वो है वाइंड विप, रेजर लीफ, पेटल डांस, और फिर सोलर बीम हो गया, और फिर स्लीप पाउडर, पैरालाइज, ऐसे बहुत सारे अटैक्स है। और इसके साथ साथ ये डुअल टाइप होने के कारण ये हमें ये इसके जो अटैक्स है वो और भी बूस्ट होते हैं, जैसे कि पॉइजन अटैक्स के होते हैं, पॉइजन स्टिंग वगैरह, ऐसे और सारे अटैक्स है इसके, तो ये और भी बूस्टअप हो जाता है दोस्तों। तो ये जब मेगा इवोल्व होता है तब भी ये पॉइजन प्लस ग्रास टाइप बन जाता है। तो यार इसी सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए मैंने विनसोर को नंबर वन की पोजीशन पे रखा दिया है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो आज का वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन दबाना। तो अगर आपको इस लिस्ट में तुम लोगों को कोई गड़बड़ लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि तुम्हें कैसी लिस्ट चाहिए थी और तुम्हें कौन सा पोकेमॉन कौन से रैंक पर रखना चाहिए था तो बताना। और आज के वीडियो को लाइक में रखते हैं, 250 लाइक्स हो, मुझे पता है तुम लोग ये जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दोगे। तो यार और मैं कुछ बोल नहीं रहा, तो इस लिस्ट को मैंने बनाया था बहुत ही मतलब बहुत देर से वीडियो आ रहा है, बट क्या करूँ यार, थोड़ा वीडियो बनाने में भी थोड़ी मेहनत लगती है और थोड़ी तुम लोग देख सकते हो मैंने बैकग्राउंड चेंज कर दिया है वीडियो का। तो यार ऐसी अलग अलग टाइप की वीडियोस में लाता रहता हूँ रोज़ रोज़। और अगर तुम लोगों को मेरे ऐश के टॉप फाइव पोकेमॉन्स देखने तो उसका अलग से एक प्ले लिस्ट बना दूंगा, वहाँ से देख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो के लिए, और अब मिलता हूँ अगले।